Invite Sister Linda Joseph for the song. Praise God. इस नाम मिला मेरा जीवन सवर गया, ओ मेरा जीवन सवर गया। इस नाम मिला मेरा जीवन सवर गया, ओ मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन सवर गया, ओ मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया, ओ मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पर चल कर रूह इनाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पर चल कर रूह इनाम में पाता है। तेरी रूह से, तेरी रूह से, खुदा की रूह से, तेरी रूह से मेरा जीवन सवर गया, ओ मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया, ओ मेरा जीवन सवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे हाथों में मौजज़ात कमाल है। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ात कमाल है। तेरे छूने से खुदा के छूने से, तेरे छूने से मेरा जीवन सवर गया, ओ मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया, ओ मेरा जीवन सवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है,
मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु आप मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, यीशु तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन सवर गया, ओ मेरा जीवन सवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, ओ मेरा जीवन सवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, ओ मेरा जीवन सवर गया। थैंक यू, प्रेज़ गॉड। Amen. Thank you. God bless you, Sister Linda. Hallelujah. यीशु नाम मिला मेरा जीवन सबर गया, तेरे छूने से मेरा जीवन सबर गया। तेरा नाम जो लेता है वह जिंदगी पाता है, यीशु के लहू से मेरा जीवन सबर गया। कितना कितना खूबसूरत गाना, हालेलुया। यीशु का नाम हम सबको मिला है, यीशु के छूने से हम चंगाई पाते हैं, हालेलुया। इस वाले गाने के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आने वाले दिनों में भी ये YouTube के द्वारा जब गाना सुनेंगे, सब परमेश्वर से आशीषित पाने पाए। हालेलुया, थैंक यू अगेन, हालेलुया। अभी हम वचन से सुनेंगे। हमने अपने कानों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से, हालेलुया, प्रभु का दास पास्टर जेन जोसेफ आज वचन से हमें सुनाएंगे। एंड आई वेलकम पास्टर जेन जोसेफ फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू पास्टर जेन, सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। फिर से एक बार प्रेयर लाइन पार्टनर के साथ मिलकर प्रभु की महिमा करने की मौका मिला, बहुत खुश हूँ। जिस तरह गाना में हम सुना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन बदल चुका है, हमारा जीवन सफर चुका है, हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के छूना, उसके कलाम, उसके प्रॉमिस, ये सब आशीष की जरिया है। जरूर मैं विश्वास करता है कि आज इस प्रेयर लाइन में जो कोई भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन रहा है, गाना सुन रहा है, कलाम सुन रहा है, आपकी जिंदगी में बड़ी आशीष हो रहा है। जो कोई प्रार्थना कर रहा है, इस प्रेयर लाइन में पाठ कर रहा है, गाना गा रहा है, कलाम से बोल रहा है, लीड कर रहा है, आप सब यीशु मसीह के नाम से ये कर रहा है, आप और आपके बच्चे जरूर आशीष पा चुका है। चलिएगा, एक छोटी सी कलाम, सिंपल सा वचन हम मनन करेंगे। साम्स 23 वर्स 5, वचन संहिता 23 पांचवा वाक्य, 23वा वचन संहिता हम सब बाय हार्ट जानते हैं, इसलिए मैंने उसे पिक किया ताकि कम समय में आपसे कुछ चीज प्रैक्टिकल लाइफ को पैरेलल रखता हुआ कुछ चीज हम एक साथ मिलकर मनन करें। 23वा वचन संहिता पांचवा वाक्य, अगर हिंदी बाइबल है आपके हाथ में तो जरूर पढ़िएगा। यू प्रिपेयर ए टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमीज, यू अनॉइंट माई हेड विद ऑयल, माई कप ओवरफ्लोस। अगर हिंदी बाइबल है आपके पास तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा उमड़ है। रहा है। You anoint my head with oil, my cup overflows. अगर प्रभु आपको अनॉइंट करता है तो आपके कप ओवरफ्लो करता है।
यहाँ पे जो कब बोला गया है वो हम और आप है, हम और आप है, हम और आप को प्रभु ने अनॉइंट किया है, हम और आप रूपी कप ओवरफ्लो करने के लिए अनॉइंट किया गया है। सुनिएगा, लाइफ को हम एक ओवरफ्लोइंग और सरप्लस माइंडसेट के साथ अप्रोच कर सकता है, साथ ही साथ लाइफ को हम एक शॉर्टेज माइंडसेट के साथ अप्रोच कर सकता है। हम लोग पास्टर से बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनके विषय के लिए मध्यस्थ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम ये वचन इसीलिए ही इस तरीके से मुझे सोचने के लिए अथवा ध्यान करने के लिए प्रभु ने अगुवाई दिया। सुनिएगा, लाइफ को हम दो तरीका से अप्रोच कर सकते हैं, लाइफ के प्रॉब्लम को, सिचुएशन को हम दो तरीका से अप्रोच कर सकता है। एक, लाइफ को एक शॉर्टेज माइंडसेट से अप्रोच कर सकता है, साथ ही साथ लाइफ को एक ओवरफ्लोइंग सरप्लस माइंड के साथ अप्रोच कर सकता है। देखिएगा कलाम क्या बोलता है। अगर इसी इसी वचन को आप इंग्लिश के डिफरेंट वर्जन में पढ़ेंगे, NIV में लिखा है माई कप ओवरफ्लोस। अगर आप इंटरनेशनल चिल्ड्रन बाइबल्स में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है यू गिव्स मी मोर देन आई कैन होल्ड। प्रभु जी आप मुझे इतना देता है कि मैं रूपी कप के अंदर होल्ड करने से ज्यादा होता है। यू गिव मी मोर देन आई कैन होल्ड। जब प्रभु देता है तो हम हमारे जरूरतों से ज्यादा, हम जितना आग्रह करता उससे ज्यादा। अगर आप न्यू सेंचुरियन वर्जन NCV में जाएंगे उसमें लिखा है यू फिल माई कप टू ओवरफ्लोइंग। प्रभु आप मेरे कप को तब तक फिल करता रहता जब तक ये ओवरफ्लो नहीं हो जाता। सी कलाम हमें एक सरप्लस ओवरफ्लोइंग माइंडसेट के साथ भरना चाहता है। हमारे कप के नाप से ज्यादा हम पर परोसना चाहता है, तब तक भरना चाहता है जब तक हमारा कप ओवरफ्लो ना हो जाता। प्रभु ऐसा कर कलाम क्या बोलता है आपको मैं एक दो वचन से समझाऊंगा। अगर आप जोन की किताब 7वां अध्याय 37-38 में जाऊंगा, जीवन जल की प्रॉमिस है वहां पे, और अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो उत्सव के दिन वहां पे ऐसा लिखा है कि मसीह यीशु ने खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। इंग्लिश में लिखा है कि जीसस शाउट एंड सेड इन ए लाउड वॉइस। क्या कहा प्रभु ने, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आ जाओ। आगे लिखता है उसके अंदर से जीवन की नदी बह निकलेगी, उमड़ पड़ेगी। इंग्लिश में लिखता है कि रिवर ऑफ लिविंग वाटर विल फ्लो फ्रॉम, हम उस कप से ओवरफ्लो करता है। ये चीज प्रभु ने ऊंचे शब्द से बोला, लाउड वॉइस से बोला, चिल्लाकर बोला। आज जो आप मुझे सुन रहा है, आपको लाइफ को एक शॉर्टेज माइंडसेट से अप्रोच नहीं करना चाहिए। आपके कानों में आवाज पड़े, इसीलिए प्रभु ने लाउड वॉइस से, ऊंचे शब्द से लोगों को अपने पास बुलाता हुआ ये बोलता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जैसे कि पवित्र शास्त्र के लेख है, उसके आधार पर जीवन की जल उमड़ पड़ेगी। प्रभु के कलाम में आपको विश्वास करने के लिए प्रभु ने जो नौथा दिया, जो इनविटेशन दिया, इसलिए नहीं कि आप शॉर्टेज माइंडसेट से लाइफ को अप्रोच करें, सिचुएशन को अप्रोच करें, बल्कि प्रभु ने आपको जो इनविटेशन दिया है इतने ऊंचे शब्द से, लाउड वॉइस से आपको ये बताना चाहा है, समझाना चाहा है कि मैं तुम्हें उतना भरना चाहता है कि तुम्हारे बर्तन के बाहर मेरे आशीष से उमड़ पड़े। आमीन। अगर आप जॉन गॉस्पल चैप्टर 10:10 में जाता है, वहां लिखता है कि चोर केवल चोरी, हत्या, विनाश करने के लिए आते, किंतु
मैं इसलिए आया हूं कि लोग भरपूर जीवन पा सके, भरपूर जीवन पा सके, हैव लाइफ इन फुलनेस। आप आज रात को प्रभु के कलाम, प्रभु के प्रॉमिस, प्रार्थना के द्वारा, गीत के द्वारा इसलिए नहीं सुन रहा है कि आप शॉर्टेज माइंडसेट से जिंदगी को अप्रोच करें और सिचुएशन को अप्रोच करें। आपको प्रभु इसीलिए सुना रहा है, आपको प्रभु ने इसीलिए छूना है, आपको प्रभु ने वचन के द्वारा विश्वास करने की मौका इसीलिए दिया है कि आप जिंदगी को, सिचुएशन को, हालात को, प्रॉब्लम्स को एक ओपन माइंड के साथ, ओवरफ्लोइंग एटीट्यूड के साथ, सरप्लस माइंड के साथ अप्रोच करें। आमेन। प्रभु बोलते हैं कि मैं छोड़कर तेरा आपको कमजोर करने नहीं आया, आपको खाइत खाने में बंद करने के लिए नहीं आया, आपके खुशियों को छीनने के लिए नहीं आया, आपके जरूरतों में दरार डालने के लिए नहीं आया। ये कलाम की शुरुआत 23वां वचन संगीता बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा चरवाहा है तो तुम्हें किसी चीज का घटी नहीं होगा। कलाम बोलता है कि इसलिए आया ताकि तुम भरपूर जीवन पा सके। चलिएगा, आगे चलेंगे हम। 19 मिनट्स, ओके। क्या है एक शॉर्टेज माइंडसेट? आई नेवर हैव इनफ, आई नेवर विल, कभी भी मुझे इनफ नहीं होगा। अरे मैं अपने जिंदगी में हमेशा देखा, हाथ में आने वाला ही तक निकल जाता है, अभी जॉब मिलने ही वाला था। मेरा जिंदगी ऐसा ही है, कभी इनफ नहीं होगा, कभी मैं नहीं पाऊंगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कभी मुझे इनफ नहीं होगा। एक एग्जाम्पल बाइबल से देता हूं, बाइबल से ही हर चीज को। अगर आप सेकेंड किंग में जाएंगे चैप्टर 4 वर्स 42-44 तक के वाक्य, मैं 43 पढ़ूंगा, 43 या 44 पढ़ूंगा आपके लिए। सेकेंड किंग चैप्टर 4 43 एंड 4। एलिशा के सेवक ने कहा, आपने क्या कहा, यहां तो 100 व्यक्ति है, उन सभी व्यक्तियों को यह भोजन मैं कैसा दे सकता हूं? एलिशा ने बोला कि इन लोगों को भोजन दो। उसके सेवक का बोलना कि तुम क्या बोल रहा है, इन सभी व्यक्तियों को यह भोजन कैसा दे सकता हूं, ये कम पड़ेगा, ये पूरा नहीं होगा। किंतु एलिशा ने कहा, लोगों को खाने के लिए भोजन दो, यहोवा कहता है वे भोजन कर लेगा और भोजन बच भी जाएगा। एलिशा के सेवक का जो अप्रोच है वो शॉर्टेज माइंडसेट के साथ है। अगर आप 43 वर्स 42 भी पढ़ेंगे तो वहां लिखता है, एमन ब्रॉट एलिशा, ओके, एलिशा सेड गिव इट टू द पीपल सो दे कैन ईट। एलिशा बोल रहा है अपने सेवक से कि भाई तुम इन लोगों को भोजन दो, लेकिन सेवक का जो अप्रोच है, तुम क्या बोल रहा है, इन सबों को ये भोजन कम पड़ेगा, ये पूरा नहीं होगा, इट्स नॉट इनफ। लेकिन एलिशा बोलता है लोगों को खाने को दो, ये होगा कहता है वो भोजन कर लेगा और भोजन बच भी जाएगा। अब देखा उस शॉर्टेज माइंडसेट और ओवरफ्लोइंग सरप्लस माइंडसेट, देखिएगा मैं इसे और समझाने की कोशिश करेगा। द फोकस ऑफ शॉर्टेज माइंडसेट जो होता है वो हमेशा अपना पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसी को देख पाता है। रिजल्ट क्या होता है, वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, उसे लगता है कि मेरा पास जो है वो इनफ नहीं है। द शॉर्टेज माइंडसेट
से जो लोग जिंदगी को अप्रोच करता है, दे ऑलवेज लुक देयर लिमिटेड रिसोर्सेस, उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उस पे नजर रखता है, और हमेशा टेंस्ड होता है, हमेशा डिस्टर्ब रहता है, हमेशा फियरफुल रहता है। वो यहां पे एलिशा के सेवक के साथ हो रहा है, वो जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको देखकर, उसके नाप तोल को देखकर बोलता है कि तुम क्या बोल रहा है, ये इनफ नहीं होगा। लेकिन एलिशा जो है वो उस रिसोर्सेस को नहीं देख रहा है, वो गॉड के आवाज की तरफ नजर डाल रहा है, गॉड के प्रॉमिस की तरफ नजर डाल रहा है, गॉड के अनलिमिटेड रिसोर्सेस की तरफ नजर डाल रहा है। बोल रहा है कि प्रभु बोलता है तुम खाने को दो, वो खाएंगे और बच भी जाएंगे। हमें प्रभु हमारे लिमिटेड सोर्स पर नजर रखकर शॉर्टेज माइंडसेट से जीने के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता है, अगर मेरे घर में चार लेग पीस फ्राइड है, हम लोग पांच लोग हैं, तीन बच्चे हैं, चलिए पांच लेग पीस फ्राइड हो गया, मेरा एक बच्चा एक ज्यादा खा लिया तो मेरे लिए कम पड़ जाता है। लेकिन क्या मेरे इस घर में मेरे बीबी और तीनों बच्चा श्वास लेता है, मुझे कभी भी टेंशन नहीं होता कि मेरे लिए श्वास कम पड़ जाएगा? आप लोगों को ऐसा हुआ है? क्योंकि प्रभु का जो रिसोर्सेस है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, लिंडा ने फाइव चिकन लेग फ्राई किया है, मेरा बच्चा एक और ज्यादा खा लिया, एक पीस ज्यादा खा लिया तो मेरे लिए शॉर्टेज हो जाएगा। वो ह्यूमन, इंसान के रिसोर्सेस है, लिमिटेड होता है वो। लेकिन प्रभु ने हमें हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस पर नजर रखकर चलाने के लिए नहीं बुलाया है। हमारे प्रभु जो देता है उसका जो रिसोर्सेस है वो अनलिमिटेड है। अगर किसी को और को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं कि मेरे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए जो अरेंज करता है वो इंसान नहीं है, खुदा करता है, और उनके रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। ये सरप्लस माइंडसेट, जो सरप्लस माइंडसेट के साथ लाइफ को अप्रोच करता है, द फोकस ऑफ सरप्लस माइंडसेट गॉड्स अनलिमिटेड सोर्स की तरफ होता है, एंड रिजल्ट ये होता है कि एक ओवरफ्लोइंग लाइफ उनकी जिंदगी में हमेशा होता है, टू बी फिल्ड बियॉन्ड कैपेसिटी, जैसे हम वजन संगीता में सुना, विद एन एंडलेस सप्लाई ऑफ गॉड्स गुडनेस। हमें प्रभु ने जिंदगी को, लाइफ को, विषयों को, बच्चों की जरूरतों को, हमारी जरूरतों को एक शॉर्टेज माइंडसेट के साथ अप्रोच करने के लिए नहीं बुलाया है। हर जगह का प्रॉब्लम यह है, किसी और को अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मेरा अपॉर्चुनिटी चला गया, किसी और का नाम ऊपर आ गया, मेरा नाम नीचे चला गया। हर टेंशन की वजह यह है क्योंकि हम अपने ही सर्किल के अंदर जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उस पे टिका हुआ, उसके अंदर ही हाथ पैर मार रहा है। हमारे लाइफ ही चेंज हो जाएगा जब हम ये सब बाउंड्री से बाहर निकलकर गॉड के ओवरफ्लोइंग सरप्लस माइंडसेट के अंदर आ जाए। प्रभु हमें इसलिए बुलाया है, वो भी लॉर्ड वो इसलिए बुलाया कि मेरे बर्तन को केवल भरने के लिए नहीं, मेरे बर्तन भरकर उमड़ने के लिए बुलाया है। ये सब वजन मेरी जिंदगी में बहुत ब्लेसिंग हुआ है, एंड बहुत लोगों के साथ ये जब वजन मैं शेयर करता है, दे कंफर्म मी, पास्टर इज चेंज आवर लाइफ। कोई आपके अपॉर्चुनिटी को नहीं ले जा सकता है, कोई और कुछ पा लेने से मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु के रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, प्रभु के रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, याद रखिएगा। क्या करना चाहिए? दो पॉइंट बोलकर मैं कंक्लूड करेगा। ए सरप्लस माइंड सेट के साथ एक ओवरफ्लोइंग लाइफ के लिए
to be filled with beyond capacity, with an endless supply of God goodness, mujhe kya karna chahiye? Number one, stay connected to Jesus every day. Insan ke meharbani mein mat rahiyega. Insan ke umbrella ke niche mat rahiyega. Kuch paane ke liye insan se connected rahke koi fayda nahi hai. किसी के सामने हाथ मत बढ़ाइएगा या उसे गलत होने से भी उसके पैर पकड़कर उसके सपोर्ट नहीं. स्टे कनेक्टेड टू जीसस एवरीडे. आपको एक बियॉन्ड कैपेसिटी एंडलेस सप्लाई अगर गॉड से मिलना है, आपको आपका कप ओवरफ्लो होना है, आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलना है, प्रभु के रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड है उससे आपको आशीष पाना है, तो स्टे कनेक्टेड टू जीसस एवरीडे. इसलिए जॉन गॉस्पल 15 वर्स 7 ऑनवर्ड्स में बोलता है कि रिमाइन इन मी इन माई वर्ड्स You produce much fruit. ज्यादा fruit देगा आप पढ़ लीजिएगा John 15, 7 to 11 पढ़ लीजिएगा. 9 minutes बचा है मेरा समय. Remain in me and my words. आगे लिखता है कि when you produce much fruit. आगे लिखता है कि remain in my love. Your joy will overflow. प्रभु के प्यार में बना रहो, आपकी आनंद में कभी टूट नहीं पड़ेगा, आनंद हमेशा ओवरफ्लो होता रहेगा, उसे कोई नहीं छीन सकता है. प्रभु में रिमाइंड करो, उसके वचन में रिमाइंड करो, तो आप हमेशा फल देता रहेगा और ज्यादा फल देता रहेगा. हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में कभी हम बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत पैशनेटेड होता है, कभी हम एकदम आउट हो जाता है, क्योंकि वी आर कनेक्टेड विथ ह्यूमन बीइंग्स. उनके ऊपर उठाने से, उनके ज्यादा एनकरेजमेंट से, उनके ज्यादा सपोर्ट से हम बहुत पैशनेटेड रहते हैं. जब वो थोड़ा कम हो जाता है, पूछना कम हो जाता है, बोलना कम हो जाता है, हम एकदम स्पिरिचुअलिटी से आउट हो जाते हैं. प्लीज रिमाइंड, स्टे कनेक्टेड टू जीसस. आप हमेशा ज्यादा से ज्यादा फल देते रहेगा. स्टे कनेक्टेड टू वर्ड ऑफ गॉड. आप हमेशा ज्यादा से ज्यादा फल देता रहेगा. आपका पैशन ज्यादा होते जाएगा. आप ज्यादा एक्साइटेड होगा. आप प्रभु के लिए ज्यादा करेगा. प्रभु के प्यार में बना रहो. लोगों के प्यार ऊपर नीचा होता रहता है. इंसान की नेचर ही ऐसा है. वो किसी का कमी नहीं, इंसान ही ऐसा है. लेकिन प्रभु के प्यार में बना रहो तो आपकी खुशी उमड़ पड़ेगा. Your joy will overflow. Number one, आपको एक overflowing अनुभव मिलना है तो आप stay connected to Jesus every day, in every situation. Please. Number two, stop complaining and start being thankful. Philippians chapter 2:14. बिना कोई शिकायत या लड़ाई झगड़े ये सब काम करते रहो. अरे प्रभु के लिए करता है, देने वाला प्रभु है, किस लिए गिड़गिड़ाहट, किस लिए कंप्लेंट? इंसान उठाएगा तो कितना उठाएगा, प्रभु उठाएगा तो स्वर्ग तक. किस लिए कंप्लेंट, किसके लिए करता है? कोई कुछ बोल दिया, मैं तो अपने लिए तो कुछ नहीं किया ना, प्रभु के लिए किया ना, तो फिर मुझे कंप्लेंट क्यों है? क्यों शिकायत है, क्यों लड़ाई है, क्यों झगड़ा है? मैं अपने लिए तो कुछ नहीं किया ना, अपने प्रेस्टीज के लिए कुछ नहीं किया ना, मैं अपने ईगो के लिए कुछ नहीं किया ना, सब कुछ किया तो प्रभु के ग्लोरिफिकेशन के लिए किया, प्रभु के लिए ग्लोरी के लिए किया, सच्चा दिल से किया. अगर कोई कुछ करता है, बोलता है, नहीं बोलता है, नहीं एग्री करता है, नहीं कंसिडर करता है, मेरा कुछ भी नहीं जाता, मुझे कुछ भी नहीं कमी पड़ता, क्योंकि मैं कुछ भी अपने लिए नहीं किया, प्रभु के लिए किया, फिर क्यों शिकायत? कोलोसियन चैप्टर 2:7 में लिखता है,
वहां में लिखता है कोलोसियन चैप्टर 2:7, लिंडा अगर हिंदी बाइबल है तो पढ़ लो, कोई भी पढ़ ले कोलोसियन चैप्टर 2:7, 5 मिनट्स। लेट योर रूट ग्रो डाउन इन टू हिम एंड लेट योर लीव्स बी बिल्ट ऑन हिम, देन योर फेथ विल ग्रो स्ट्रॉन्ग इन द ट्रूथ यू वेर टॉट एंड यू विल ओवरफ्लो विद थैंकफुलनेस। अगर हिंदी बाइबल है किसी के पास तो पढ़ लो कोलोसियंस चैप्टर 2:7। अगर हमारे रूट हमारे जड़ प्रभु में प्रभु के वचन में और हमारे फेथ प्रभु के सच्चाइयों में प्रभु के कलाम सिखाए वाली सच्चाइयों में दृढ़ता के साथ बढ़ता है तो यू विल ओवरफ्लो विथ थैंकफुलनेस। हम हमेशा प्रभु से थैंकफुल रहेगा। तो दो चीज, दो ही पॉइंट बोल के मैं कंक्लूड करता, दो चीज याद रखिए, एक ओवरफ्लोइंग लाइफ के लिए प्रभु के अनलिमिटेड टू बी फिल बियॉन्ड कैपेसिटी विद एन एंडलेस सप्लाई ऑफ गॉड्स गुडनेस, ये सप्लाई आप स्टे कनेक्टेड टू जीसस एवरी डे, स्टे कनेक्टेड टू जीसस एवरी डे, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड बीइंग ग्रेटफुल थैंकफुल। स्पिरिचुअलिटी में प्रभु के लिए मिनिस्ट्री में आप अपने लिए कुछ भी नहीं करता है, प्रभु के लिए करता है। अगर कोई भला बुरा बोलता प्रभु को बोलता है, मुझे क्या लेना देना है। मैं अगर सच्चा दिल से मुझे कुछ नहीं पाने के लिए कोई सेल्फिश मोटिव के बिना मैं अगर करता है तो कोई कुछ बोले ना बोले मुझे असर ही नहीं पड़ता है। इट्स फॉर गॉड, क्यों शिकायत, क्यों लड़ाई झगड़ा। याद रखिएगा प्रभु हमें एक ओवरफ्लोइंग लाइफ के लिए बुलाया है। प्रभु बोलता है कि मैं इसलिए आया कि तुम्हें एक ओवरफ्लोइंग लाइफ दे। प्रभु हमें भरना चाहता है, माई कप ओवरफ्लोज, यू गिव मी मोर देन आई कैन होल्ड, यू फिल माई कप टू ओवरफ्लो। हमें लाइफ को एक शॉर्टेज माइंडसेट के साथ नहीं अप्रोच करना चाहिए, हमारा बुलाहट उसके लिए नहीं है। हम एक शॉर्टेज माइंडसेट के साथ लाइफ को अप्रोच करता है क्योंकि हम अपने लिमिटेड सोर्स पे ही टिका है, हम अपने लिमिटेड बाउंड्री के अंदर ही है। 200, 300, 400 लोग नहीं है दुनिया। हमें प्रभु के अनलिमिटेड सोर्स के ऊपर नजर रखना चाहिए। किसी को अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मेरा अपॉर्चुनिटी नहीं नष्ट होता है। कोई मेरी बाजू में है वो ऑक्सीजन लेता तो मुझे कभी टेंशन नहीं होता कि मुझे ऑक्सीजन कम हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का रिसोर्सेस अनलिमिटेड है। प्लीज स्टार्ट अप्रोचिंग लाइफ विद ए सरप्लस माइंडसेट, ए ओवरफ्लोइंग माइंडसेट। माय कप ओवरफ्लोस। प्रभु इन कलामों से हम सबको आशीष दे।